हम अभी जम्मू के बावे पुलिस स्टेशन के बाहर हैं और एक मंजर पुलिस वालों का ये दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करती। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, पुलिस प्रशासन 24 घंटे काम करती है, और सिर्फ मेल स्टाफ नहीं बल्कि फीमेल स्टाफ भी काम करता है। और ये तस्वीरें जो है, ये विजुअल्स जो है, ये विजुअल्स जो है यहाँ पर बावे पुलिस स्टेशन के बाहर का है। कुछ लोगों का मानना ये है कि पुलिस उनको हैरास कर रही है, बल्कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अमरनाथ यात्रा और 15 अगस्त को मद्देनज़र रखते हुए ये सिक्योरिटी रूटीन चेकअप है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स जो है वो लाइट्स ऑन करके चेक कर रहे हैं कौन कहाँ से आया है, गाड़ी का नंबर चेक किया जा रहा है, बाइक राइडर्स जो हैं क्या उन्होंने कोई ट्रैफिक वायलेशन तो क्रिएट नहीं किया। अगर आपको ये लगता है कि पब्लिक की सेफ्टी और पुलिस प्रशासन का सवाल करना लोगों से कि आप कहां से आ रहे हैं, आपकी गाड़ी में कितने पैसेंजर बैठे हैं, क्या प्राइवेट गाड़ी है, क्या कॉमर्शल है, अगर डॉक्यूमेंट चेक करना हैरासमेंट कहा जाता है, तो यहां पर आप गलत हैं। यहां पर कोई हैरासमेंट नहीं हो रही है, पुलिस की गाड़ी लगी है, पुलिस प्रशासन लाइट ऑन करके चेकिंग कर रहे हैं और यहाँ से गाड़ियों को जाने की अनुमति मिल रही है। एक बात ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये बावे का रास्ता है, यहाँ पर बावे का एक प्राचीन मंदिर भी है, बावे बहु फोर्ट यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क भी है। तो ये जिस गाड़ी पर इनको डाउट होता है या जो JK02 के अलावा कोई गाड़ी इनको नज़र आती है तो ये उसको रोक देते हैं। जब रोकते हैं तो कोई हैरासमेंट नहीं है, 2-3 सवालात किए जाते हैं, आप DL दिखाइए, आप रजिस्ट्रेशन दिखाइए, उसके बाद गाड़ी को छोड़ा जाता है। अगर आप सीट बेल्ट पहन कर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप पुलिस प्रशासन का काम देखिए, गाड़ी की चेकिंग हो रही है और गाड़ी को जाने दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा और 15 अगस्त, क्योंकि डांगरी रजौरी में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद अन्य शहरों में हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में जो टारगेट किलिंग्स की जाती है उसको मद्देनज़र रखते हुए भी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। अब जब पुलिस प्रशासन काम कर रही है तो हमें चाहिए पुलिस प्रशासन की सराहना करना, ना कि उनको क्रिटिसाइज़ करके ये कहना कि अब तो आप हमें हरास करने लगे हो। और ये कोई हैरासमेंट नहीं है, ये एक रूटीन चेकअप है। पब्लिक को चाहिए पुलिस के साथ कोऑपरेशन करना ताकि सही मायनों में हमारा जम्मू स्मार्ट जो दिख रहा है, जम्मू स्मार्ट बन के रहे। तो ये तस्वीरें जो है बिल्कुल बावे के पुलिस स्टेशन के बाहर की हैं। यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स खड़े हैं, सिर्फ मेल स्टाफ नहीं है बल्कि फीमेल स्टाफ भी जो है वो भी है। तो हम सल्यूट करते हैं पुलिस प्रशासन को और उन लोगों को जो ये कहते हैं कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी नहीं करते, पुलिस वाले सिर्फ सोते हैं। तो आज उनको ये विजुअल्स दिखाकर दिल तसल्ली कर लेनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन जो है वो काम भी करता है और सही मायनों में और जिम्मेवारी के साथ करता है। इंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र, डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने UG और MPG प्रोग्राम, जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए। देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जी आएं और एडमिशन कराएं। 2023 से 2024, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर TK कॉलेज, लोयापुरा, श्रीनगर।